अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। यू आर लिसनिंग सारा नेम। इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग द गाइडलाइन ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ न्यूक्लिजिया। सो लेट स्टार्ट। हमने TP53 तक डिस्कशन कर ली थी। नेक्स्ट आगे हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा पाथवे आता है। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर 6.22 आपने एक दफ़ा देख लेनी है। इसमें आपने ये देख लेना है कि WNT रिसेप्टर जो है ये APC जीन और बीटा कैटानिन के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है, सिग्नल्स देता है। तो ये सब आपने एक दफ़ा देख लेना है MCQ के लिए। इसके अलावा इसमें से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म को आपने रीड करना है। ये मैं आपको कहूँगी कि आप रीड करें। इसमें आपने रीड करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड हो जाता है तो उसको हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। इसको आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाला है, ये आपने सारा स्किप कर देना, इसे रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस सारे पोर्शन में से अगर आप करना चाहते हैं तो समरीज कर सकते हैं। जो जो बीच में समरी आती है वो आपने लाजमी करनी है। इसके बाद जो करने वाला टॉपिक है वो आपका सस्टेंड एंजियोजेंसिस आता है। इस टॉपिक को भी आपने रीड करना है। ये भी UQ या SCQ की फॉर्म में नहीं आता। ये भी आपका सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए, सस्टेंड एंजियोजेंसिस, इसको आपने रीड करना है। ये एंजियोजेंसिस की ये जो फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स में डेफिनेशन है आपने ये करनी है। नेक्स्ट पेज पे इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से आप इसकी समरी कर सकते हैं। इन्विजन एंड मेटास्टेसिस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने ये 3-4 लाइनें कर लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे 2 डायग्राम्स हैं ये आपको आनी चाहिए। इसमें से जो फर्स्ट वाली डायग्राम है फिगर 6.27, ये आपका UQ है। UQ आपसे इस अंदाज में पूछते हैं कि डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हिमेटोजिनस पाथवे ऑफ स्प्रेड, मतलब ट्यूमर ब्लड के थ्रू किस तरह स्प्रेड करता है। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एज इट इज़ आपने फिगर ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद जो आपके राइट हैंड साइड पे फिगर है, इसमें से MCQ आते होते हैं। जो सेल्स के दरमियान दो सेल्स को आपस में चीज़ जोड़ रही होती है उसे कडहरेंस कहते हैं। तो ये आपका MCQ होता है, ये आपने अच्छे तरह से देख लेना है। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये आपका एक MCQ बनता होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट आप स्किप करते हैं, ये रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके इन पेजेस के दरमियान में जो समरीज आएंगी उनको आप एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। वैसे ये स्किप कर दें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करने वाला, वो है इटियोलॉजी ऑफ कैंसर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी SCQ आता होता है। अब जो केमिकल कार्सिनोजेंस हैं, इसे आपने जस्ट रीड करना है। यहाँ से आपका UQ आता होता है, टेबल 6.5। जो मेजर केमिकल कार्सिनोजेंस हैं डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। तो ये पूरे टेबल में एज इट इज़ ये टेबल आपका UQ है, तो आपने ये पूरा टेबल करना है। इसके अलावा आपने ये डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स और इनडायरेक्टिंग एजेंट्स, इन्हें आपने एक दफ़ा गुड रीड लाजमी देनी है। इसे आपने स्किप नहीं करना, ये टॉपिक आपने रीड लाजमी करना है। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स का ये MCQ आता होता है कि जब इनकी कन्वर्जन हो जाती है तो इन्हें हम क्या कहते होते हैं, अल्टीमेट कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट आपका जो UQ है, ये डायग्राम आपकी UQ है, इवेंट्स बताने होते हैं हमने केमिकल कार्सिनोजेंसिस के अंदर। तो ये आपने एज इट इज़ पूरी डायग्राम ड्रॉ कर देनी होती है। ये भी आपका जो है UQ है। तो केमिकल कार्सिनोजेंस में से आपके 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट जो आपका ये रेडिएशन कार्सिनोजेंसिस, ये भी आपने सिर्फ एक इन्हें रीड देना है, याद करने की है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। वायरल एंड माइक्रोबियल ऑन्कोजेनेसिस, इसमें ऑन्कोजेनिक RNA वायरसेस आते हैं सबसे पहले। तो ये आपको नाम आना चाहिए वायरस का, ये वायरस क्या कॉज करता है, इस डिजीज़ का नाम आना चाहिए। इसके बाद आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपने यहाँ से करने हैं, और ये फिगर 6.33 करनी है। ये MCQs में आती होती है कि जो HPV E7 प्रोटीन होती है ये RB जीन को इनहिबिट करती है, और जो E6 प्रोटीन होती है ये TP53 जीन को इनहिबिट करती है। तो ये डायग्राम आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑन्कोजेनिक DNA वायरसेस हैं उसमें से, इसमें से आपने क्या करना है, आपने वायरसेस के नाम करने हैं। सबसे पहला हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, तो यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि इसकी जो टाइप 1, 2, 4 एंड 7 है ये बिनाइन सिक्वेमस पेपिलोमा कॉज करवाती है, और जिसकी टाइप 16 और 18 होती है ये कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स कॉज करवाती है। ये आपका एक MCQ बनता होता है, ये आपने यहाँ से देख लेना है।
नेक्स्ट आपने जो चीज़ बस यहाँ से देखनी है वो ये है कि एब्स्टेन बार वायरस जो है ये बर्किट लिम्फोमा कॉज करवाता होता है। इसके अलावा आप इसको रीड कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस को रीड कर सकते हैं। अगर आप रीड नहीं करना चाहते तो आप समरी से कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास आता है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्योप्लेजिया। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्योप्लेजिया में से कैंसर ककेक्सिया, ये आपका UQ है, ये आपने अच्छे तरीके से टॉपिक करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो है पैरा न्योप्लास्टिक सिंड्रोम्स। ये आपका UQ आया हुआ है, एक दफ़ा आया हुआ है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये पैरा न्योप्लास्टिक सिंड्रोम की डेफिनेशन दी है, ये आपने इसके 3 पॉइंट्स करने हैं, या आपने इसकी एग्जाम्पल्स करनी है। जो नेक्स्ट टेबल 6.6 है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, तो आपने वो पूरा टेबल नहीं करना, वो मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट जो हमें यहाँ टॉपिक नज़र आ रहा है वो ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर का टॉपिक नज़र आ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप पास्ट पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको हर दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में से नज़र आएगा कि हम ट्यूमर को ग्रेड कैसे करते हैं, ट्यूमर को स्टेज कैसे करते हैं, ग्रेडिंग स्टेजिंग होती क्या है, डिफाइन करना होता है। तो इस तरह स्नैरियो बन के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपका ग्रेडिंग और स्टेजिंग वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल 6.6 है जिसका मैं अपनी पीछे जिक्र कर रही थी, पैरा न्योप्लास्टिक सिंड्रोम्स की एग्जाम्पल हैं। ये पूरा टेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आप कोई भी 3-4 एग्जाम्पल्स कर लें और इनकी बस मेजर फॉर्म्स करनी होती हैं। देन इसके बाद आप इसकी समरी कर लें। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर को आप स्किप कर दें, ये आपने नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ जो आपका चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स का भी UQ आता होता है, लेकिन ट्यूमर मार्कर्स का टेबल मीडियम रॉबिन्स में ड्रॉ नहीं किया गया। इसका एक टेबल आपको बिग रॉबिन में मिलेगा, वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपके पास नहीं है, आप मीडियम से कर रहे हैं, तो आप बिग से वो टेबल लेके अपने अपने बुक पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेबल आपने स्किप नहीं करना। उस टेबल में से MCQs, वाइवा, इवन SCQ भी आते होते हैं। तो ट्यूमर मार्कर आपका एक इंपॉर्टेंट SCQ है, UQ है, आपने इसे अच्छे तरीके से करना है। वाइवा क्वेश्चंस भी होते हैं उस टेबल में से, और MCQs भी आते होते हैं, तो आपने वो टेबल वहाँ से लाजमी अपनी इस बुक पर अटैच कर लेना है। नेक्स्ट आपने ये सारा स्किप कर देना, इसे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। यहाँ पे हमारा न्यूप्लेजिया का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो के एंड में मैं वीडियो की समरी बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको न्यूप्लेजिया की गाइडलाइन दी है। न्यूप्लेजिया का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ लिखा होता है, लेकिन आपने सारा चैप्टर नहीं करना। जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, जिन पर मैंने जोर दिया, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। जिन चीज़ों को मैंने स्किप करने का कहा है, उन्हें आपने स्किप कर देना, उन्हें रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव लिखा हुआ है तो इस लेवल पे इतना रिक्वायर्ड नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिन डेफिनेशंस पे मैंने आपको जोर दिया, जिन क्वेश्चंस को मैंने कहा है कि ये यू क्यों हैं, या जो अभी तक नहीं आए हुए वो मैंने आपको बताया, वो आपने अच्छे तरीके से करना है, उन्हें आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा MCQs में बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्रैक्स की बुक लाजमी लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको अन नंबर ऑफ MCQs मिलते हैं, जिससे आपकी हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं, इसके अलावा हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी, इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इम्पॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं, इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स, इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 3007।